अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, जहाँ पे आज हम अपनी गाड़ी की पासिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। के बारे में हर साल गाड़ी की पासिंग करवानी होती है, उसके लिए हमें आना होता है ट्रैफिक डायरेक्टरेट और यहाँ पे लंबी लाइन लगी होती है भाई साहब, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है और फिर गाड़ी की पासिंग होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहन गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट अथॉरिटीज़ को ये काम दे दिया है, जिसमें से एक जो है सलमाबाद में और एक हिद में है। तो सलमाबाद जो है वो चूँकि करीब है, तो हम वहाँ जाएंगे डेंसो में और देखते हैं वहाँ का क्या सर्विस है। तो चलिए। तो भाई सीन ये है कि इंस्पेक्शन हो गया और फिर उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं जो मुझे ठीक करवाना है। पहले तो मेरा पीछे का नंबर प्लेट वो ख़राब है, वो ठीक करवाना है। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैफिक वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, कैसे नंबर प्लेट नया मिलता है, चलो देखा जाए। तो हम पहुँच गए ट्रैफिक डायरेक्टरेट और तो चलिए नंबर प्लेट चेंज करते हैं। बिल्डिंग नंबर 3 में जाना है और वहाँ पे जो है नया रसीद कटेगा और आपने पुराना नंबर प्लेट जमा कर देना है। सो इट कॉस्ट अराउंड 3.5 BD फॉर वन साइड। सो मैं एक सिर्फ बैक साइड का ले रहा हूँ तो मुझे 3.5 BD पड़ा है। वो रसीद लेके फिर हमें बिल्डिंग नंबर 1 में जाना है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्डिंग नंबर 1 जो है वो दरअसल जेल है, तो वहाँ मत चले जाएगा गलती से। जस्ट बिसाइड्स बिल्डिंग नंबर 3 देयर इज अ स्मॉल कॉटेज, वहाँ पे बनता है नया नंबर प्लेट। तो हमने वहाँ पे ये रसीद जमा किया और 1 BD एडिशनल चार्जेस पे किए फिक्सिंग करने के लिए। यू कैन नॉट फिक्स द नंबर प्लेट आउटसाइड, यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड हियर। ये अब हमारा नंबर प्लेट फिक्स हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नया नंबर प्लेट फिक्स हो गया है और अब हम जो है लाइन में लगने जा रहे हैं। सो लेट्स होप इंशाल्लाह कि गाड़ी पास हो जाए। कमाल की गर्मी है माशाल्लाह, बता नहीं सकते भाई। ये देखिए जीना आराम कर दिया है गर्मी ने। तो अब हम लाइन में लग गए हैं। ये लाइन देखिए कम से कम भी तो 3 किलोमीटर दूर है। हम लोग अभी टेस्टिंग सेंटर से यहाँ से लाइन शुरू है और ये जा रही है पूरा, देखिए ये यहाँ से वो इंस्पेक्शन बिल्डिंग जो बड़ी वाली दिख रही है शेड वहाँ पर है। और मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो बाहरीन में हैं और जो पहली बार अपनी गाड़ी पासिंग करवा रहे हैं, तो उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊं कि गाड़ी पासिंग से सबसे पहले जो है इंश्योरेंस अपडेट करवाना होता है। रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस में जाके अपने इंश्योरेंस को अपडेट कीजिए और फिर आ जाइए ट्रैफिक डायरेक्टरेट में पासिंग के लिए। पासिंग का जो टाइम होता है वो 1 महीने का टाइम फ्रेम होता है। अगर आपने उसमें पासिंग नहीं करवाई तो आपको फ़ाइन लगता है 500 fils per day। तो ध्यान रखिएगा और अपनी पासिंग टाइम पर करवाइएगा। तो गाइज लगता है हम अपने मकाम पे पहुंच गए हैं, बस थोड़ी दूर में रह गया है हमारा इंस्पेक्शन। दुआ करते हैं अल्लाह से कि खैर से हो जाए पासिंग। अल्लाह गाड़ी पास हो गई। वल्लाह मैं सुबह से भाग रहा हूँ यार गाड़ी पास करवाने के लिए और इस गर्मी ने तो बड़ा मुश्किल कर दिया हर चीज़। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से और मेरी मेहनत से गाड़ी पास हो गई, हुर्रे। खैर अभी 1 साल का टेंशन ख़त्म। यहीं पर मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।